है, वेलकम अगेन। तो आज हम करेंगे कौन सा, ये मेरा शायद फोर्थ पार्ट होगा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म का। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसका पार्ट 1 2 3 सारा अपलोड है, छोटा छोटा ही है, तो वो आप देख लो। और जो अभी साथ साथ देख रहे हैं वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट कर सकते हो कैसा लगा या हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो भी बता सकते हो। तो हम चलते हैं 25th की तरफ। अब छोटा छोटा ही है, ठीक है, फटाफट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 25th कौन सा है, कॉस्ट। कॉस्ट किसको कहते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटी। देखो कॉस्ट क्या होता है ना, कॉस्ट को हम हिंदी में लागत बोलते हैं। किसी चीज को पाने के लिए क्या तुमको खर्चा करना पड़ा उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ये भी वही बोल रहा है, अगर स्पेसिफिक आर्टिकल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, अपनी एक्टिविटी के लिए जो भी तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा था ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ये सब देखो जो भी वर्ड है ना वो फिर बार बार आएगा, अलग अलग चैप्टर में आएगा, तो उसको हमको फिर से पढ़ाना है डिटेल में। अभी इस चैप्टर में बस एक है कि आप एक ओवरव्यू समझ लो कि इसका क्या मतलब होता है, जो आप कम से कम ये तो समझ सको ना, हाँ इसको ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, तो ऐसा ना पूरा ब्लैंक हो जाओ कि यार ये क्या होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 26th, जो है कि वाउचर। वाउचर किसको कहते हैं, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको याद है हमने स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट पार्ट में सर, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन होता है दो आदमी के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसका जो एविडेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर। ये आपको इलस्ट्रेशन समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा। कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, ठीक है, ये सब को भी छोड़ो, बिल तो सब समझते हो ना, इनवॉइस और बिल। मान लीजिए आप जाते हैं मॉल, ठीक है, वहां आपने कुछ परचेज किया, आपको एक बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, या आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, तो आप देखना एक बॉक्स के ऊपर लगा रहता है और एक अंदर भी रहता है, ठीक, वो हार्ड कॉपी में रहता है, वो आपको इनवॉइस रहता है, उसमें सारा डिटेल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर। ये क्या होता है, ये एविडेंस होता है। एविडेंस किस चीज का, ये एविडेंस है कि हाँ ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ आइटम परचेज की हो, आपके पास अगर ये है, इनवॉइस है, जो कि हार्ड कॉपी में आपका कुरियर के साथ आता है, प्लस आपके मेल पे भी आता है सॉफ्ट कॉपी में, तो एक एविडेंस है कि हाँ आपने परचेज किया है, एविडेंस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, डिस्काउंट। तो ये तो आप सबने बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना ही होगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई छूट मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस, इट इज नोन एज डिस्काउंट। देखिए जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो मेरा टारगेट क्या रहता है, यार अगर ये 100 रुपया बोला है, उसको हमको 60 रुपया 70 रुपये में हमको लेना है, हम क्या करते हैं उसके साथ, नहीं भैया इतने में दे दो, इतने में दे दो, हम क्या चाहते हैं उनको डिस्काउंट दे। तो हम उसी को पढ़ रहे हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि जब कस्टमर्स को कोई भी रिडक्शन दिया जाता है प्राइस में, जैसे वो 100 का था, ठीक है, ये 100 का था, ये आपको मान लीजिए 70 में लेना है, तो आपको जो रिडक्शन मिल रहा है किसके द्वारा, ये आपको बिजनेसमैन दे रहा है, बिजनेस दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब मेनली जो डिस्काउंट होता है वो दो टाइप्स का होता है, पहला होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिबेट अलॉट बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स इज द रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। अब देखिए जब आप खरीदने के लिए जाते हो ना, तो मान लीजिए आप ज्यादा यूनिट ले रहे हो, तो जो आपका मान लीजिए 100 रुपीज था वो आपका लग गया मान लीजिए 90 रुपीज, वो बोला चलो हम इतना तुमको हम डिस्काउंट दे देते हैं, 90 रुपीज पर यूनिट तुम ले लो, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। खरीदने के टाइम में ही हमको मिल रहा है, और क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं या फिर कुछ भी, और इसको रिकॉर्ड कैसे, इसको नेट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। पता है ये पॉइंट आपको जर्नल एंट्री आई थिंक फोर्थ चैप्टर होगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना ये उसी में काम आता है, ये नेट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है। तो अगर हम सेल्स के टाइम में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ट्रेड डिस्काउंट, और उसी तरह अगर हम परचेज के टाइम का बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, परचेजर रिकॉर्ड करता है नेट वैल्यू पे, तो ये क्या हो गया, परचेज ट्रेड डिस्काउंट। बट अगर हम दूसरा बात करें कैश डिस्काउंट का, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलॉट फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, इज एन एक्सपेंसिज फॉर द पार्टी अलॉइंग टू द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई गुड्स खरीदा, गुड्स मान लीजिए 2 लाख का था, और आपने बोला कि हमने 6 मंथ में पेमेंट कर देंगे, तो ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, ये सोच रहा है कि अब 6 महीने के बाद ये पेमेंट करेगा, तो ये ना एक आपको ऑफर देता है कि सुनो भाई तुम ना अगर हमको
मंथ में अगर तुमको ये पेमेंट कर दोगे 2 लाख रुपीज, तो हमने तुमसे 1.95 लाख ही लेंगे, मतलब तुमको हम 5,000 का डिस्काउंट देंगे अगर तुम उनको 6 महीना के बदले तुमको 2 महीने में ही कर दो। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वही इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए, कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलॉट फॉर टाइमली पेमेंट। जो भी टाइम है आप उसमें कर दो तो आपको हम इतना ही देंगे, उससे पहले कर दो हम और भी आपको डिस्काउंट देंगे। तो ये ना टाइम बेसिस पे ही मिलता है। इट इज एन एक्सपेंसिव फॉर पार्टी अलाउइंग अलाउइंग डिस्काउंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, देखो ये तो बिजनेसमैन है, इसको मिलना कितना चाहिए था 2 लाख रुपया, इसको मिल कितना रहा है 1,95,000। इसका मतलब ये जो 5,000 रुपया ये इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए आपका एक्सपेंस हो गया। और ये जो पार्टी है जिसको आपको 2 लाख रुपया देना था बट वो दे रहा है 1.5 लाख, तो 5,000 रुपया उसको कम देना पड़ा, तो ये इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए इनकम हो गया। ये यही है कैश डिस्काउंट। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसका कि यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि सारे को ना हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट है इसमें अकाउंट, ठीक है। अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। अब देखो इसके समझने के लिए ना, इसको समझने के लिए एक चैप्टर होता है जर्नल एंट्री, जो आई थिंक इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जर्नल एंट्री क्या होता है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो अपने फर्स्ट में पढ़ा था, जो भी लेन देन होता है उसको ने, जैसे ये कॉपी है ना, ठीक है, अभी आप ये समझ लो हम ऐसे ऐसे करके लिखते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, कि मान लो हमको कैश आया हम लिख दिए, हम सैलरी पेमेंट किए लिख दिए, हमको बैंक में इंटरेस्ट आया हम लिख दिए, ठीक है, हमने कुछ परचेज करके लाया लिख दिए। इसमें क्या होता है ना, वन बाय वन हम लिखते जाते हैं, डे टू डे बाय डे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई राम है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आप समझिएगा, राम है वो ना 6 महीने के बाद मेरे पास आया, बोला कि हमने आपसे उधार में क्रेडिट पे हमने आपसे मतलब सामान लेके गए थे, हमको ना पेमेंट करना है, तो बताइए हमको कितना रुपया देना है। तो देखिए जर्नल एंट्री में डे बाय डे का हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं। तो मान लीजिए राम ने 6 महीने में हमसे मान लीजिए आपको 50 बार सामान लेके गया, ठीक है, और हमको 10 बार ना कुछ पेमेंट्स भी किया है, तब मेरे पास ना एक मोटा सा बुक्स हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हम डे बाय डे लिखते हैं। तो अब उसमें हमको ढूंढना पड़ेगा कि कब कब राम हमसे सामान लेके गया था, कब कब राम हमको पेमेंट किया था, और फिर हमको निकालना होगा कि रिमेनिंग अमाउंट कितना है। इसमें क्या होगा, हमको तो 1 से 2 दिन लग जाएगा यही ढूंढने में कि राम का एंट्री कहाँ पे है इसमें से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं जिसमें हम इसी तरह से लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी वाइज हम अकाउंट्स बनाते हैं, फॉर्मेट ऐसा होता है, आगे पढ़ेंगे, देखिए इसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। हम क्या करेंगे, राम का एक अकाउंट्स बना देंगे, ठीक है। बस ये जो मोटा सा बुक्स है ना, उसमें जहां जहां राम का एंट्री हुआ होगा, मतलब जब हम ये एंट्री करते रहेंगे ना, तो जहां भी राम का एंट्री होगा ना उसको हम इसमें लिख देंगे, कैसे लिखेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर राम का भी पेमेंट किया होगा उसको भी हम लिख देंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमको इससे पता चल जाएगा। तो उससे फायदा क्या होता है ना, जब भी राम मेरे पास आएगा कि हमको कितना पेमेंट करना है, तो हम फटाफट, हम इसको लेजर अकाउंट बोलते हैं, हम फटाफट लेजर वाला बुक्स ओपन करेंगे, उसमें राम का अकाउंट ओपन करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा इस डेट को मेरे से सामान लिया है, इस डेट को मेरे को पेमेंट किया, और रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कितना है और कितना हमको राम से लेना है, ठीक है, वही होता है अकाउंट्स। तो अगर इसको हम देखें तो क्या है, अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए इसमें समराइज नहीं था, इसमें सब एक साथ लिखा हुआ था, हमको ढूंढना पड़ता, बट अकाउंट्स बनाने का क्या रीजन है, हम एक समराइज्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड। जैसे राम मेरा क्या है, राम मेरा आपको डेटर हो गया, डेटर क्यों है, क्योंकि तो हमसे सामान लेके गया था, क्रेडिट पे हमको ये पैसा देगा, तो उसका हम क्या किया, हम एक अकाउंट ओपन कर लिए, ठीक। तो आई होप ये आपका खत्म हो गया अकाउंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मींस जर्नल एंड लेजर इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। बोल रहे बुक्स ऑफ अकाउंट उसको बोलेंगे जिसमें हम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो हमने अभी आपको बोला ना, ये हम डे बाय डे लिखते हैं, इसको एक तरह से जर्नल बोलते हैं, और ये जो अकाउंट्स बोला उसको हम बोलते हैं लेजर। तो ये वही बोल रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मींस जर्नल एंड लेजर इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो ये जर्नल में भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और लेजर में भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, तो इसी दोनों, जहां पे ये दोनों रिकॉर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी स्पेसिफिक एक चैप्टर है और इसका भी स्पेसिफिक एक चैप्टर है, ठीक है, और ये आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा इस दोनों का। उसका नेक्स्ट में हम चलते हैं, क्या है एंट्री। एंट्री क्या है, ए ट्रांजेक्शन एंड इवेंट वेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट नोन एज एंट्री।
अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट तो समझ गए, उसमें हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और लेजर में। तो ये जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं ना, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं एंट्री। तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे, एंट्री। तो ये क्या हो गया, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। जो भी ऐसा बिजनेस ट्रांजेक्शन है या फिर इवेंट है जिसको कि हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इस वाले में। इस वाले में हम जब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री। तो आप सीधे बोलो हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जब आप बोलते हैं हम एंट्री कर रहे हैं, तो लोग समझ जाते हैं अच्छा हाँ ये जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब आया डेबिट एंड क्रेडिट, इसको हम साथ साथ करेंगे। ये आपका लेजर जो बता रहे थे ना, राम्स का अकाउंट ओपन करना, ये उसी से रिलेटेड है, डेबिट और क्रेडिट। इसके लिए चलिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। ये मान लीजिए हो गया अकाउंट, इस साइड होता है डेबिट साइड, इस साइड होता है आपका क्रेडिट साइड। तो ये जो जब हम लेजर या कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, इस एक साइड होता है डेबिट साइड, एक साइड होता है क्रेडिट साइड। आप यहां भी देख सकते हैं, जब हम पीएल अकाउंट का जब इसका हम फॉर्मेट पढ़ रहे थे, तो यहां आप देखिए, जब हम पीएल अकाउंट का जब हम फॉर्मेट पढ़ रहे थे, तब यहां देखिए यहां डेबिट है, तो ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, दो साइड्स होते हैं। इसी तरह जब हम अगर लेजर अकाउंट बनाए, इस साइड हो गया आपका क्या, डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। अब डेबिट पढ़ते हैं, एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स, ठीक है, ये अकाउंट है इसका दो पार्ट है, समझ गया, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी समझ गए, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इसको शॉर्ट में डीआर और सीआर लिखा जाता है, ठीक है। द लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, ठीक, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, व्हाइल द राइट साइड इज द क्रेडिट साइड, और ये जो राइट साइड वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। इफ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, देन द एंट्री इज पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। अब बोल रहा है देखो, अगर अकाउंट डेबिटेड होगा ना, तो इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। इन सच एन इवेंट इट इज सेड द अकाउंट इज डेबिटेड। देखो इस पे ना भी ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हम लेजर अकाउंट पढ़ेंगे, इसमें इसका पूरा हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि ये कैसे डेबिटेड होगा, किस साइड जाएगा, ठीक है। अभी आप ये समझो, ये जब लेजर अकाउंट होता है, इसका दो साइड्स होता है, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यही हम डेबिट देखे, अब क्रेडिट को देखते हैं। क्रेडिट इज राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, तो ये राइट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। इफ एन अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है, द एंट्री इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड, बोल रहा है अगर अकाउंट जो है क्रेडिटेड होगा, तो हम पोस्टेड किधर पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड। तो सिंपल सी बात है, एक अकाउंट से उसका दो पार्ट्स होता है, लेफ्ट वाले को हम डेबिट बोलते हैं, राइट वाले को हम क्रेडिट बोलते हैं। अगर अकाउंट जो है वो डेबिटेड होगा, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर अकाउंट क्रेडिटेड होगा, तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, ये आपको पता चलेगा जब हम लेजर चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल के बाद, ठीक है, तब पता चलेगा आपको। तब नेक्स्ट पे चलते हैं, रिसीवेबल। रिसीवेबल्स क्या है, द टर्म रिसीवेबल्स इंक्लूड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू ड्यू फ्रॉम अदर्स। देखो रिसीवेबल्स का मतलब सिंपल है, जिससे आप रिसीव करोगे, जो आपका कुछ ना कुछ पैसा रखा हुआ है, जैसे कि इंक्लूड ट्रेड डेटर, आपने किसी को सामान उधारी पे, आपने किसी को सामान क्रेडिट पे सेल किया था, उससे आपको पैसा लेना है, ठीक है, वो आपका डेटर हो गया। बिल्स रिसीवेबल, मैंने आपको बिल्स रिसीवेबल बताया था, कोई आपका एक्सेप्ट कर चुका है कि इस डेट को इतना अमाउंट आपको हम देंगे। इसी टाइप का एक प्रॉमिसरी नोट होता है, जो आपको प्रॉमिस करता है इतना पैसा आपको देंगे इस तारीख को, तो वो भी हो गया। तो रिसीवेबल्स क्या हो गया, आपको जिससे पैसा लेना है, ठीक है। द टर्म रिसीवेबल इंक्लूड्स द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, जिससे भी आपको पैसा लेना है आउटस्टैंडिंग, वो आपके लिए क्या है, रिसीवेबल्स है, जैसे कि ट्रेड डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ठीक है। द टर्म रिसीवेबल इंक्लूड्स ऑल द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, तो हो गया। अब उसी तरह से पेबल, पेबल क्या होता है, देखिए रिसीवेबल्स मतलब आपको लेना था, पेबल्स मतलब आपको देना है, यहां अगर आप है तो आपको पैसा देना है किसी को। द टर्म पेबल इंक्लूड्स द अमाउंट ड्यू टू अदर्स, आपको किसी को देना है। द अकाउंट पेबल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स है, ट्रेड क्रेडिटर, आपने किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीद के लाया था, तो आपको उसको पैसा देना है, ठीक है। बिल्स पेबल है, स्पेसिफिक डेट पे आपको देना है, या कोई प्रोमिसरी नोट है, तो इस सब क्या होता है, आपको पैसा देना है। तो ये क्या हो गया, ये पेबल्स हो गया। अब नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसका भी एक चैप्टर है, बट आपको हमने थोड़ा सा ये समझाएंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, इसमें आप एक मशीन खरीदते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा हेवी मशीन है, ठीक है, ये आपका
प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। यू ही सोच के बोलना, इसमें कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है। इस मशीन को आपने खरीदा था 10 लाख रुपीज में, इसको आपने खरीदा, इसको अपने क्या बोलते हैं उसको फैक्ट्री में लेके और इसका आप यूज किए। मान लीजिए आफ्टर 1 ईयर आपको लगा कि नहीं यार ये मशीन जो है ठीक नहीं है, हमको और अच्छे वाले नहीं, इसको हमको ना सेल करना है। तब आप ये बताइए सेल कितने में होगा, क्या ये 10 लाख में होगा या 10 लाख से ज्यादा में होगा या फिर 10 लाख से कम में होगा? तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये 10 लाख से कम में होगा। तो लेटर सपोज कितना, ये आपका 9 लाख में बिकेगा, ठीक है। अब ये बताइए जब आप लाए थे तब ये 10 लाख का था और अभी एक साल बाद जब इसको बेचें तो 9 लाख का ये क्यों बिकेगा, ऐसे वैल्यू में कम क्यों हुआ? इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट बिकॉज ऑफ यूजेस, ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम। और देखिए इसमें क्या होता है ना, जब भी आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसको आप यूज करते हैं, तो उस यूज के कारण जो उसका वैल्यू में जो कमी आता है, वैल्यू जो उसका गिरता है, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ 10 लाख था और अब कितना रह गया, अब 9 लाख लग गया। ये 1 लाख का जो वैल्यू में गिरावट हुआ तो हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन मेरा 1 लाख है। और पता है ये डेप्रिसिएशन का जो 1 लाख रुपया खर्चा है ये आपका कहाँ जाता है, ये आपका जाता है पीएल अकाउंट में। तो आप समझिए आपके बिजनेस में जितना भी एसेट्स होगा सबका हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है और सबको पीएल अकाउंट में लिखना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कहाँ गए, ये देखिए ये है डेप्रिसिएशन, ये बिजनेस में जितना एसेट्स होगा सबका डेप्रिसिएशन निकाल के उसको टोटल करके यहाँ लिखा होगा, आपका डेप्रिसिएशन भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस सोल्ड, ठीक है। आप जो भी गुड्स बेच रहे हैं ना उसमें आपको कितना डायरेक्ट खर्चा लगा है, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट होता है ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट उसी यूनिट पे लगा है। जैसे अगर आप डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल लें, जैसे आप पेन बनाते हैं, ठीक है, तो पेन में मानिए आपका इंक लग गया 1 रुपीज का, प्लास्टिक लग गया आपका 1 रुपीज का, ठीक है, लेबर जो एक पेन पे पैकिंग पे काम करता है वो मानिए 1 रुपया, तब वह कॉस्ट कितना हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट 3 रुपीज, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या नहीं लेते हैं, जैसे आप रेंट पेड कर रहे हो, मशीन का चार्ज दे रहे हो, वो क्या ना वो सब पे काम होता है, आप उसको ना स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि एक यूनिट पे कितना पड़ा। गुड सोल्ड क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट एक यूनिट पे हम निकाल सके, फाइंड आउट कर सके, डायरेक्टली उसी पे खर्चा हो रहा है, ठीक। ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड, जो भी हम गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं उस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बैड डेट, बैड डेट क्या होता है, देखिए बैड डेट क्या होता है ना, कि आप हैं, ठीक है, ये कोई कस्टमर है, आपने इसको मान लीजिए सामान बेचा था 20,000 का और ये बोला 1 मंथ में हम ना आपको पैसा दे देंगे, तो आप मान लिए कि ये मेरा डेटर है, ठीक है, ये मेरा डेटर है, ये हमको पैसा दे देगा। बट 1 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 1 साल हो गया, ये ना तो आपको दिखाई दे रहा है ना आपका कॉल रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यार ये पैसा देने वाला नहीं है, ये पैसा मेरा चला गया, अब कभी नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। बैड डेट इज द अमाउंट दैट हैज बिकेम इररिकवरेबल, ठीक है, वो पैसा का कभी रिकवर होगा ही नहीं। इट इज द बिजनेस लॉस, ये आपका बिजनेस का लॉस है एंड इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपका खर्चा एक तरह से बिजनेस का लॉस है, तो ये भी मेरा कहाँ खर्चा, ये भी मेरा यहाँ आ जाता है, देखिए ये रिटर्न ऑफ को भी छोड़ दीजिए, ये देखिए बैड डेट, ये आ गया बैड डेट। आपने किसी को सामान बेचा होगा, कुछ किया होगा, वो आपको पैसा दे ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, वो आपका बैड डेट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का ना हिंदी नाम बहुत ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं दिवालिया। आप पुराना मूवी समय देखते होंगे, वो दिवालिया हो गया, वो ये हो, तो दिवालिया आदमी कब बोलते हैं, जब उसके पास देने के लिए पैसा ही नहीं होता है, ठीक है। देखिए इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और इंटरप्राइजेज, ठीक है, आदमी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है, विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट। अब मानिए कोई एक आदमी है, ठीक है, इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, इसके पास 0 रुपया और इसका डेट अगर आप देखिएगा तो 5 लाख रुपया, तो उस टाइम क्या बोलेंगे, यार ये तो इंसॉल्वेंट है, पैसा वैसा कुछ है नहीं, उसको देना 5 लाख है, तो ये इंसॉल्वेंट है, ये आदमी दिवालिया हो गया। इसके जस्ट उल्टा आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर्सन किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट इज अ पर्सन और इंटरप्राइजेज हु इज अ पोजिशन टू पे डेट, ठीक है। इंसॉल्वेंट कौन हो गया, दिवालिया, जिसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन सॉल्वेंट कौन है, जिसके पास पैसा है। मानिए यही इस केस में अगर हम बोलते हैं इसके पास 10 लाख रुपया है और इसको देना कितना है, बस 5 लाख देना है, तो बोलते हैं ये सॉल्वेंट है,
ये आराम से अपना डेट चुका सकता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बुक वैल्यू। ठीक, वैल्यू किसको कहते हैं? दिस इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये सब हम बनाना सीखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। ये सिंपली क्या बोल रहा है ना कि बुक्स जहां पर रिकॉर्ड लिखते हैं ना, उसमें आप किसी चीज को आप किस वैल्यू पे लिखते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसको हम लिखे हैं कि ये मेरा बिल्डिंग 50 लाख है, तो हम बोलेंगे कि 50, ये बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू है वो कितना है, 50 लाख है। क्यों? क्योंकि हम 50 लाख ही हमने बुक्स में एंट्री किया। ठीक है, अगर कोई लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, इसका बुक में हम लिखे हैं कि ये मेरा 15 लाख का है। ठीक है, भले ही मार्केट में अगर इसको हम बेचने जाए तो वो 45 लाख का बिके, बट बुक्स में हम कितना लिखे हैं, 15 लाख ना, तो मेरा बुक वैल्यू कितना होगा, 15 लाख। मतलब जो हमने बुक में अमाउंट लिखा है वो हो जाएगा मेरा बुक वैल्यू। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हो गया मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में भी इतने का बिकता है, तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू 45 लाख, बट मेरा बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू है मेरा 15 लाख, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट हम आपको इसीलिए पहले से दिखाते आ रहे हैं। तो देखिए, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस एट अ गिवन डेट। ठीक है, आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि बैलेंस शीट जो बनता है वो एज ऑन करके बनता है। ठीक है, 31/3 मान लीजिए 2021, ये 31/3/2021 को उस डेट को मेरे पास क्या है उसका डिटेल हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। ये एक स्टेटमेंट है फाइनेंशियल पोजीशंस का, मतलब मेरे पास पोजीशन क्या है मेरा, नहीं बोले तुम्हारा पोजीशन क्या है, अभी क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सामान है क्या नहीं है। ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल या एंटरप्राइज, किसी आदमी का या बिजनेस का, एट अ गिवेन डेट, जैसे एज ऑन जिस डेट को हम बनाएंगे उस डेट को। ठीक है, जो कि क्या लिखता है, जो कि आपका एसेट्स का डिटेल रखता है, लाइबिलिटीज का रखता है, कैपिटल का रखता है। ठीक है, एसेट्स सब आपको पता है, संपत्ति, लाइबिलिटीज पता है जो हमको पैसा किसी को देना है, कैपिटल पता है जो ऑनर जो पैसा इन ऑनर जो पैसा इन्फ्यूज या जो पैसा लगाता है बिजनेस में, हम कैपिटल बोलते हैं, रिजर्व। ठीक है, एंड अदर अकाउंट बैलेंस। ठीक है, जो भी हम अभी तक देखे हैं या और भी हम देखेंगे वो सारा डिटेल कहाँ रहता है, बैलेंस शीट में रहता है। ठीक है, एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हम यही देखे कि बुक्स में जो भी वैल्यू होता है उसी पे इंटर होता है यहाँ पे भी। ठीक है, तो बैलेंस शीट अगर हम फॉर्मेट देखें तो यही फॉर्मेट था आपका बैलेंस शीट का। एक मिनट, ठीक है, यही आपका फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। ये देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन, ये एक स्पेसिफिक डेट को बनता है। एक साइड हम क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज लिखते हैं, एक साइड हम क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज में जैसे कैपिटल है, फिर ड्रॉइंग्स है, कैपिटल कम हो गई ये बताए थे आपको, फिर नेट प्रॉफिट। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि नेट लॉस जो होता है वो ऑनर्स फंड को डिक्रीज कर देता है, लेकिन नेट प्रॉफिट उसको बढ़ा देता है। जैसे कि देखिए, ये किसी कंपनी का बैलेंस शीट है या पता नहीं, हमने गूगल से लिया था। ये देखिए, कैपिटल है 1,80,000। ठीक है, उसमें तो उसने लेस ड्रॉइंग्स कर लिया, 30,000 रुपया वापस निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो वो कम हो गया उसका कैपिटल। लेकिन फिर उसने ईयर एंड में 92,600 का उसने प्रॉफिट कमा लिया, ये उसका ऑनर्स फंड को बढ़ा देगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। इसका टोटल कैपिटल जो हो गया वो कितना हो गया, 2,42,600। इसी तरह लाइबिलिटीज में सनरी क्रेडिटर है, मतलब क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, लाइबिलिटीज फॉर एक्सप्रेस है। अब आप समझ सकते हो थोड़ा थोड़ा, इसी तरह एसेट साइड भी है। तो ये था मेरा क्या बैलेंस शीट, तो ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। ये आई थिंक फोर्थ पार्ट था। तो आप अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ नीचे कमेंट कर दो और सबके साथ शेयर भी करो। और अगर आपको इसका चाहिए, चैप्टर तो वैसे खत्म हो गया, तो इसका एक क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आई थिंक टी एस बिरवाल वाले बुक में है, तो अगर आप बोलो तो उसका एक और हम वीडियोस बना के हम नीचे डाल देंगे। ठीक है, एक और पार्ट हो जाएगा, वो फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ओके, देखने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।